वित्त मंत्रालय ने खाद्य तेलों के लिए चालू महीने में दूसरी बार टैरिफ मूल्य बढ़ाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बढ़ोतरी से आयात शुल्क में कटौती का असर खत्म हो गया है, जबकि घरेलू कंपनियों का कहना है कि यह किसानों के लिए अच्छा होगा। इस बीच उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि खाद्य तेलों की कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं। एक अधिसूचना के अनुसार सभी प्रकार के खाद्य तेलों के लिए टैरिफ मूल्य $18 प्रति टन और $38 प्रति टन के बीच बढ़ा दिया गया है। टैरिफ मूल्य उस आधार को संदर्भित करते हैं जिस पर मूल्य अनुसार शुल्क की गणना आयातित वस्तु के लिए की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों को ध्यान में रखते हुए हर पखवाड़े मूल्य में परिवर्तन या कोई परिवर्तन अधिसूचित नहीं किया जाता। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14 की उपधारा 2 केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC को आयातित वस्तुओं या निर्यात माल के किसी भी वर्ग के लिए टैरिफ मूल्य तय करने का अधिकार देती है और शुल्क संदर्भ के साथ प्रभारी होगा इस तरह के टैरिफ मूल्य के लिए। वहीं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि सी के कार्यकारी निदेशक BV मेहता ने कहा है कि वैश्विक कीमतों में वृद्धि के कारण टैरिफ मूल्य में वृद्धि हुई है। इस वृद्धि ने आयात शुल्क में कटौती के प्रभाव को नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस महीने की शुरुआत में CBIC ने कच्चे रिफाइंड पाम तेल, सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क में 16.5% से 19.25% तक की कटौती की थी। हाल के महीनों में ये तीसरी कमी है और तत्काल ट्रिगर उच्च कीमतें थीं, खासकर त्योहारी सीजन के दौरान। ये कहा गया था कि नवीनतम कटौती के साथ खाद्य तेलों की कीमतों में 6 से 8 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी आ सकती है। हालांकि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़े कुछ और ही साबित करते हैं। दरअसल कटौती के बावजूद सरसों तेल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 29 सितंबर से 29 अक्टूबर के बीच सिर्फ एक महीने में सरसों का तेल 183.78 रुपये से बढ़कर 186.99 रुपये हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।